सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ चुका है और अब नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नया अपडेट आप सभी लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या नया अपडेट आया है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। आफ्टर रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस है वो इसमें बताया गया है और जो डॉक्यूमेंट जो क्या चाहिए आपको वो भी इसमें बताया गया है, कैसा फॉर्मेट रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, यहां आपने आना है NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.jovi.in पे। यहां आप मेन्यू पे जाएंगे, मेन्यू पे और यहां आपको एडमिशन के सेक्शन में आना है। एडमिशन नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपके सामने यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर्मेट फॉर क्लास 5 स्टूडेंट सिलेक्टेड थ्रू JNVST 2020। अब यहाँ आप देख सकते हैं 20 से 2020 का ये आ रखा है। इस PDF पे आपने यहाँ लिंक पे क्लिक कर लेना है तो आपका ये खुल जाएगा। तो यहाँ नवोदय विद्यालय समिति नोटिस आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू क्लास 5 थ्रू JNVST 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड, यानी कि रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया है। और अब जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट के, उनको क्या क्या स्टेप अप करने हैं रिजल्ट के बाद वो इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ बता रखा है जो फॉर्मेट हैं सबमिट करने के लिए, डिटेल्स को वो यहाँ दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उनको करना है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो इस PDF का लिंक भी मैं आप सभी लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ आपको बताया गया है कि पेरेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक TC फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल यूनिट द एडमिशन इज कंफर्म्ड बाय JNV। यानी कि आपको किसी भी हालत में तब तक TC नहीं कटवानी अपने बच्चे की जब तक जवाहर नवोदय विद्यालय आपका डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आपको ये ना बोलने कि आपके बच्चे का एडमिशन फाइनल हो चुका है, अब आप TC ले आएँ। जब तक वो ये ना बोलते तब तक आपको TC नहीं कटवानी है अपने बच्चे की। अब आपको डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे ये आप देख सकते हैं। इस तरह के ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, हर डॉक्यूमेंट का यहाँ फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो आप इस PDF से डाउनलोड करके सेम फॉर्मेट में इसी पे आप सारे जो डॉक्यूमेंट इसी के माध्यम से बना सकते हैं। इसी तरह आपने ये बनाने हैं सारे डॉक्यूमेंट की, यहाँ लिस्ट दे रखी है सर्टिफिकेट किस चीज़ का, सर्टिफिकेट यहाँ आपको बनाना होता है, सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। तो आपने ये डाउनलोड करके सारा कुछ इसी के हिसाब से बना लेना है। सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल, या आपका जो जहाँ अभी आप का बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल से आपका ये बनेगा। इसी तरह आपका अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स का एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होता है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के को अंडरटेक आप देंगे अपने बच्चे को, उसको देंगे। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह, अंडरटेकिंग वगैरह सब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में कर देंगे। और इसी तरह आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेंट, यानी कि जो एक साल का आपका बच्चा किसी और स्कूल में भेजा जाता है, इसी तरह इसमें सारे डॉक्यूमेंट और उसके साथ ही जो मेडिकल फिटनेस वगैरह होता है, इस तरह का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बनेगा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद हाइट वेट पूरी चीज़ें उसकी यहाँ डाली जाएंगी। ये आपको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप देख सकते हैं और इस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आपके ये बन जाएंगे। सेम फॉर्मेट आपका रहेगा। और आपको दोस्तों, अगर आपको ये समझ में ना आ रहे हों कि कैसे डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, कैसे वो करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, गूगल में जाएं और जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है या सिलेक्ट हुआ है, आप क्या करें इस तरह से नवोदया विद्यालय और उसका नाम आप लिख दें। तो मैं इसमें लिख देता हूँ इस तरह से। तो ये दोस्तों आपने भी लिख देना है, मैंने क्या इसमें सर्च किया है,
देख सकते हैं आप नवोदय विद्यालय देहरादून मैंने सर्च किया है। अब दोस्तों नवोदय विद्यालय देहरादून में जितने भी हैं आप देख सकते हैं इसकी यहाँ आ चुकी है लिस्ट। अब दोस्तों आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे नवोदय देहरादून का एक आ चुका है। तो इसी तरह आप भी सर्च करेंगे नवोदय विद्यालय अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जहाँ के लिए आपके बच्चे का जो है सिलेक्शन हुआ है, यहाँ आपको उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस पर आपको कुछ नहीं करना, कॉल कर लेना है और बता देना है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। वैसे आपको मैसेज आ चुका होगा, लेकिन सर्टिफिकेट क्या क्या आपको बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, आप यहाँ कॉल करके आराम से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरह आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो निकाल सकते हैं और जो आपके बच्चे का जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको बता देंगे कैसे कैसे बनवाना है और बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ से देखना चाहें क्या कैसे फॉर्मेट रहेगा, तो इस PDF में NVS के द्वारा पूरा बताया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से इस नोटिस के साथ साथ में सारे डॉक्यूमेंट का जो बताया गया है, जो कैसे जो उसके सर्टिफिकेट बनेंगे अर्बन या रूरल के, OBC SC ST और डिसेबिलिटी के जो एप्लीकेबल है वो कैसे आपको बनाना है, एलिजिबिलिटी जो है डॉक्यूमेंट कैसे आपको बनेंगे, जो एलिजिबल जो है उनके लिए जो कंफर्म करने के लिए एडमिशन कंफर्म करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सारा यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपका नवोदय विद्यालय समिति का जो एडमिशन अब होगा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको पूरी जानकारी उसके बारे में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आप नवोदय विद्यालय का जो फ़ोन नंबर यहाँ दिए गए हैं इन पर भी आप पूछ सकते हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और ये जानकारी कैसे आपको लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और नवोदय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।